अच्छा, जब बड़े बड़े लोग बच्चों जैसी हरकतें करते ना तो हमेशा क्यूट नहीं लगता है। अब सीरियल साथिया में गहना ने कुछ ऐसा ही किया है। सासू माँ को डराने के लिए जो हरकत इन्होंने की है ना, वो है तो बड़ी बचकानी। अब पॉइंट की बात यह है कि इनकी ये हरकत रंग लाएगी या नहीं, आइए बताते हैं। गहना ने अब तक जो जो करना चाहा वो कर नहीं पाई। गहना की सासू माँ उससे कई गुना आगे निकली है, लेकिन अब गहना ने जो चाल चली है ना अपनी सासू माँ को डराने की, जिसकी शुरुआत उसने घर के बाथरूम से कर दी है। इस बाथरूम में उसने खून से लिखा है। सारिका, सारिका। तो आजकल सासू माँ को डराया जा रहा है। हम सासू माँ को डरा रहे हैं नल में लाल पानी निकाल कर और भूतों की आवाज़ लगा कर और खून के झापे करके और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम उन्हें डरा रहे हैं, ताकि कहते हैं ना, जब उंगली घी सीधे उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है। गहना की सासू माँ जब बाथरूम में आई और उसने खून से लिखा हुआ पाया तो वो चीख पड़ी। अब वो घर में जाकर सबको बताएगी कि बाथरूम में उसने क्या देखा। और इधर गहना रानी ने बड़ी आसानी से जो लिखा था ना वो सब मिटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं माँ को उनके तरीके से फंसाकर उन्हीं के मुंह से सच्चाई उगलवाऊंगी, और बस अब मैं यही कर रही हूँ, उन्हें डरा धमका रही हूँ ताकि उन्हें ये बिलीव हो कि भूत है, और भूत भी है तो वो जिन्होंने क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने उर्मिला का खून किया है तो उर्मिला का भूत है, और वो सबको बता दे कि ये उर्मिला है। यानी कि जब सब देखने आएंगे ना तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। अब गहना, ये तो सच में बच्चों वाला खेल है। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। आपने जो किया है ना वो एकदम बचकाना है। आपकी सासू माँ जितनी शातिर है ना, वो आपके इस हथकंडे को आसानी से समझ जाएंगी। लेकिन कोई नहीं, आपने कोशिश तो की है ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जब आपकी ये चोरी पकड़ी जाएगी ना तो आगे कुछ और करने की सोचना, और हाँ, हमारा मशवरा जरूर लेना, फिर देखना आपको कैसे कामयाबी मिलती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।